हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग GU JCET 2020 का प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो गया है, प्रोविजनल आंसर की अथॉरिटी द्वारा रिलीज हुआ है। GSEB जो है, गुजरात बोर्ड जो है, जो कंडक्ट करता है GU JCET, इसने रिलीज़ किया है GU JCET 2020 का आंसर की, वो भी प्रोविजनल। अभी तक जो आंसर की आई थी वो इंस्टीट्यूशनल आंसर की थी, यानी कॉलेज, कोई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर जो क्लासेस वगैरह हैं उन लोगों ने खुद का रिलीज़ किया था, मतलब खुद सॉल्व करके दिया था। पर वो और इस ये दोनों अलग अलग है। ये जो है अथॉरिटी ने दिया है, यानी उनके हिसाब से ये सही है, उनके हिसाब से वो कुछ भी है उनको उससे लेना देना नहीं है। जो अथॉरिटी है GU JCET, उसने खुद का आंसर की निकाला है और यही आंसर की, प्रोफेशनल आंसर की, इसके थ्रू आप सारे अपडेट्स को चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स निश्चिंत हो जाते हैं आंसर की देखकर इंस्टीट्यूशन वाला, पर इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिलाई नहीं रहना है आपको, आपको ऑफिशियल अथॉरिटी को रिलाई करना है, बिकॉज वही एक बॉडी है जो एग्जामिनेशन पेपर के आंसर भी सेट करते हैं और आंसर की भी रिलीज़ करते हैं। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव चैनल बनाया गया है GU JCET से रिलेटेड। देखिए, बात सिर्फ आज आंसर की चेक करने की नहीं है, बात रिजल्ट चेक करने की भी नहीं है, बात काउंसलिंग की भी नहीं है, बात है अगले 4 साल की। तब जब आप 4 साल पढ़ाई करेंगे तो 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 8 एडमिट कार्ड आएंगे, 8 रिजल्ट आएंगे। आपके कॉलेज में नए डीन कौन है, नए प्रोफेसर कौन है, नए चेयरमैन कौन है, नए HOD कौन है, टीचर्स ने क्या बोला है, नए टीचर्स क्या बोल रहे हैं, नए HOD ने क्या आपके बारे में बोला है, या फिर नई गाइडलाइंस क्या हुई, HOD मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके प्रैक्टिकल्स कब होने वाले हैं, आपके वाइवास कब होने वाले हैं, आपके जो हैं इंडस्ट्रियल विजिट्स कब होने वाले हैं, यानी आपको कभी कंपनी वगैरह में लेके जाने वाले हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह दिखाने वाले हैं क्या, उसके अलावा आपके जो है एनुअल डे, कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट, इवेंट्स वगैरह कब होने वाले हैं, आपकी प्लेसमेंट कैसे होगी, प्लेसमेंट सेल का क्या नई गाइडलाइंस है, कौन से लोगों को प्लेसमेंट मिलेगा, कौन से लोगों को नहीं मिलेगा, कैसे फीस वेवर कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कैसे चेक करना है ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स गलत तरीके से चेक करते हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। आपको सही तरीके से चेक करके सही इन्फॉर्मेशन पाना है, यही आपका मकसद है, यही हमारा भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है, वहाँ पर आपको लिखना है सिंपल सा GU JCET 2020, और उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ GU JCET से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं सबसे पहले वहीं पर आती हैं। तो इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप GU JCET 2020, ओके, एग्जैक्टली, और यहाँ पे लिखा हुआ IAS पेपर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं GU JCET 2020 आंसर की रिलीज्ड। अब ये आंसर की कौन सी रिलीज हुई है, तो GU JCET की प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुई है 28th August 2020 को, ओके। जो नई एग्जामिनेशन डेट से वो अनाउंस रिवाइज हो गई थी, एग्जामिनेशन 24th अगस्त को हुआ था GU JCET का। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो ये आंसर की जो है वो रिलीज़ हो चुकी है GU JCET की, प्रोविजनल है, यानी फाइनल नहीं है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसमें आप चैलेंज रेज करेंगे अथॉरिटी को, एंड देन चैलेंज एक्सेप्ट होने के बाद आपका एक फाइनल आंसर की आती है। तो अगर एक टाइम फ्रेम है उसके बीच में आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना रहता है, देना रहता है। उससे पहले बता दूं कि जो सामने आपके फॉर्म दिख रहा है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दें, अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से राज्य से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गुजरात का हूँ तो मैं गुजरात पर क्लिक करूँगा, आप कहीं और के हो सकते हैं, गुजरात के कहाँ के हैं, आप कहीं के भी हो सकते हैं, भुज, दहोद, एनासन, गोधरा, गोंडल, हिम्मतनगर। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात के वल्लभ विद्यानगर का हूँ, वल्लभ विद्यानगर का। आप कहीं और के हैं तो आपको कहीं और करना पड़ेगा, अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव के हैं, तो भी आपको यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, बहुत ही दुर्गम इलाका है, दूर है शहर से बिजली, पानी, सुख सुविधाओं का, इंटरनेट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इन सारी चीज़ों का बहुत अभाव है। इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस दे सकूं। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट कर दें, कुछ भी, जो भी आपको ऐसा लगे कि आपके गुजरात के किसी ने आपको वैल्यू दिया है। और एट कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूँ बीटेक में, तो बीटेक पे क्लिक करना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है, आपकी जो भी है आप उस पर क्लिक करेंगे, और गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, गुजरात CET से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, आपको ईमेल और SMS के जरिए मिलती रहेंगी, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आपको ऑफर्स आते रहेंगे कि आप चाहें तो उनके पास एडमिशन ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है इस फॉर्म को भरना,
कोई पैसे लगने वाले हैं, पर जो उसके बदले आपको परसीव वैल्यू मिलेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परसीव वैल्यू में तो आपको तीन चीज़ें मिलती हैं, क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन। जहाँ पे क्वालिटी, चॉइस और सिलेक्शन ये तीनों होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने धैर्य, विचार विमर्श, आदर्श, सौहार्द और पुरुषार्थ से डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा आप ये फॉर्म भर के गेट फ्री काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है ऑलरेडी, जिससे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज से एडमिशन ऑफर्स मिलना शुरू हो जाए। और एक गुड न्यूज़ आप सभी को बता दूँ, गुजरात के सारे बच्चों को, बाकी देश के बच्चों को भी, कि देश के टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फुल फ्लो में एडमिशन शुरू है, जिसमें बेनेट यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट और जीटी गोयनका। इन सारे यूनिवर्सिटीज़ को, देश के पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पे फुल फ्लो में एडमिशन शुरू। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे एडमिशन लें। रीज़न इसके पीछे 5 है। पहली चीज़, 100% प्लेसमेंट रेट, मतलब यहाँ पे पढ़ाई करेंगे आपको प्लेसमेंट मिलेगा, प्लेसमेंट मतलब आपको जॉब मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटरनेशनल एक्सपोजर। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, अगर आप किसी रीजनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं गुजरात के, या फिर किसी भी जिले के कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ के बच्चे आएंगे? उस सेम जिले के बच्चे आएंगे, आजू बाजू के कॉलेज के बच्चे आएंगे, और उसके आजू बाजू के गाँव के या तहसील के, और कोई बाहर का बच्चा नहीं आता है, बिलीव मी। इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, यहाँ पे पूरे देश के बच्चे आते हैं, देश के करीबन हर राज्यों से बच्चे आते हैं, हर यूनियन टेरिटरीज से बच्चे आते हैं, और दूसरे देशों से भी बच्चे आते हैं। यानी हमारे देश के हर राज्य से, हर यूनियन टेरिटरी से, और दूसरे देशों से। यानी जब दूसरे देशों के बच्चों से, हर दूसरे राज्यों के बच्चों से आप यह बातें करते हैं, उनके साथ पढ़ाई करते हैं, तो आपका माइंडसेट ओपन हो जाता है, आपका कल्चरल एक्सचेंज होता है, टैलेंट एक्सचेंज होता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है, माइंडसेट एक्सचेंज होता है। तो आपको मालूम चलता है कि आप किस लेवल पे हैं, आप किस लेवल पे आपको पहुंचना है, वो किस लेवल पे हैं, आप किस लेवल पे हैं, आपको कहाँ जाना है, उन्हें कहाँ जाना है। तो ये जो स्पर्धा है, कंपटीशन, वो आपको ग्रूम करती है, आपके अंदर बेटरमेंट लाती है, आप हर दिन एक नया वर्जन अपने अंदर लाते हैं आप। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें से ओपन करके, इसमें किसी न किसी में आपको एडमिशन लेना ही चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, GU JCET प्रोविजनल आंसर की हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 28th August 2020। क्लिक हियर टू चेक डिटेल्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नया टैब में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं GU JCET 2020 आंसर की रिलीज, यानी ये प्रोविजनल आंसर की है, वो रिलीज़ हो चुकी है 28th अगस्त को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं GU JCET प्रोविजनल आंसर की हैज़ बीन रिलीज्ड। ओके, तो प्रोविजनल आंसर की जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, और स्टूडेंट्स इसे चैलेंज रेज कर सकते हैं 1 September 2020 तक। यानी 1 September तक आप, अगर आपको लगता है कि इस आंसर की में कोई गलती है, कोई खामी है, डेफिनेटली आपको चैलेंज रेज करना चाहिए। वहाँ पे आप जाके आप अपने लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस पर गेट फ्री काउंसलिंग, अगर आपने पिछली बार ये फॉर्म भर दिया है, जस्ट सिंपली कट इट, अगर नहीं भरे हैं आपको भरना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं GU JCET आंसर की हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन 28th August। स्टूडेंट्स कैन बी चैलेंज्ड द की सबमिटेड टिल 1 September 2020। क्लिक हियर टू व्यू आंसर की। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नया टैब में जाएंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप गुजराती में लिखा हुआ, मैं ज़्यादा गुजराती नहीं पढ़ पाता हूँ, पर आपको मालूम है ये बेहतर लिखा हुआ है। और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, गुजरात वगैरह एप्लीकेशन, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। की वेरिफिकेशन, आपको पैसे वैसे भरने पड़ेंगे हर एक चीज़ के बारे में। यहाँ पे देखें, OMR मैथ्स की शीट है, यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस के। यहाँ पे बायोलॉजी की आंसर की है OMR शीट की, यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री की गुजराती हिंदी मीडियम की यहाँ पे है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई। यहाँ पे OMR की फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम की है यहाँ पे, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। तो इस तरह से आपको चेक करना है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके गुजरात GU JCET आंसर की से रिलेटेड, प्रोविजनल आंसर की से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को क्लियर किया रहेगा। ऐसी ही वीडियोज़ अगर आपको फ्यूचर में भी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।